नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का ये बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों का 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का निर्णय सरकारी कर्मचारियों को लिया गया है। सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। 2 साल से इंक्रीमेंट रुका हुआ था प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का, जिसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का ये बड़ा तोहफा है। 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का निर्णय सरकार ने लिया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 साथ ही 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर अद्वरी जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 2 साल से जो इंक्रीमेंट रुका हुआ था, सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग की ने कल मीटिंग के बाद निर्णय लिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि निश्चित तौर पर जो 2 साल से कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, वो उन्हें राखी के समय एक तोहफे के रूप में दिया जाएगा। एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों के लिए दिया जा रहा है वित्त विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 6,40,000 कर्मचारी हैं और 30,000 प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं। इन 6,70,000 अधिकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। निश्चित तौर पर जो कर्मचारी हैं 6,40,000, उनको 1,800 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक इंक्रीमेंट उनका बढ़ाया जाएगा उनके ग्रेड के हिसाब से। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो अधिकारी हैं 30,000 अधिकारी हैं, वो कह सकते प्रथम और द्वितीय श्रेणी के, तो उनको 5,000 से 10,000 रुपये तक का उनका इंक्रीमेंट लगेगा। निश्चित तौर पर लगातार कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही थी वेतन वृद्धि को लेकर, तो उसी को लेकर सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया। निश्चित तौर पर कोरोना काल चल रहा था, आर्थिक गतिविधियां उतनी नहीं थी, सरकार को राजस्व की आर्थिक उतनी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। निश्चित तौर पर इसलिए इंक्रीमेंट सरकार का कहना है कि रुका पड़ा था, लेकिन अब जो जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट हो और इस साल 2021 का इंक्रीमेंट है, वो दोनों इंक्रीमेंट एक साथ कर्मचारी अधिकारियों को रक्षाबंधन के पहले इसी माह दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर कर्मचारियों में अधिकारियों में भी इंक्रीमेंट मिलने की निर्णय के बाद काफ़ी खुशी का माहौल है। वह चाहते थे कि इंक्रीमेंट काफ़ी लंबे समय से नहीं लगा है और अब जब सरकार ने फैसला ले लिया है तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी खुशी का खुशी की बात है। जी जी बिल्कुल अंकुर जी, कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है, एक बड़ा तोहफा है कर्मचारियों के लिए, लेकिन ये पात्रता के अनुसार ही इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। तो तृतीय वर्ग के शासकीय कर्मचारी संघ के जो सचिव हैं, उनका ये कहना है कि इसका लाभ उन्हें तृतीय वर्ग को नहीं मिलेगा। नहीं, सभी वर्ग को मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, 6,40,000 कर्मचारी हैं, उसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं 30,000 और 6,40,000 जो कर्मचारी हैं उसमें तृतीय वर्ग को चतुर्थ वर्ग सभी को इसका लाभ मिलेगा, श्रेणी के हिसाब से लाभ मिलेगा। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 1,800 रुपये से 4,500 रुपये तक का इंक्रीमेंट सभी का लगेगा, अब उस श्रेणी के हिसाब से लगेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो तृतीय वर्ग कर्मचारी हों चाहे शिक्षक संवर्ग हों, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो प्रदेश है उनके लिए एक बड़ा तोहफा सरकार देने जा
जा रही है, बड़ा फैसला लिया गया है। इंक्रीमेंट जो कि 2 साल से रुका हुआ था वो लगने जा रहा है। श्रेणी और पात्रता के अनुसार इंक्रीमेंट लगाया जाएगा।